गांव माथरोली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादला होने पर स्कूल द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल प्रिंसिपल सुनील दत्त जी ने अपने अथक प्रयासों से स्कूल में काफी सराहनीय कार्य किए हैं। सिर्फ मरम्मत के पैसों से उन्होंने स्कूल की दिशा और दशा दोनों ही बदल दिए। आप जिन क्लासरूम को देख रहे हैं यह बिल्कुल खंडर हो चुकी थी, जिन्हें सुनील जी ने अपने अथक प्रयासों से स्कूल को एक नई बिल्डिंग का रूप दे दिया। प्रिंसिपल सुनील दत्त जी का कहना है कि मेरी इस कामयाबी के पीछे सभी ग्रामवासियों व मेरे स्कूल स्टाफ व मेरे विद्यार्थियों का पूरा सहयोग रहा है, जिनके साथ मिलकर ही मैं यह सब संभव कर पाया हूँ। सुनील दत्त जी ने बताया कि स्कूल में पहले साइंस नहीं थी और छात्रों को 10वीं के बाद किसी अन्य स्कूल में साइंस पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। मैंने अपने अथक प्रयासों से स्कूल में साइंस की मंजूरी ली और आज अगर छात्रों को साइंस पढ़नी है तो वह हमारे ही स्कूल में साइंस पढ़ सकते हैं। स्कूल में खेल ग्राउंड से लेकर कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदि सभी चीजों में सुनील दत्त जी ने अपना काफी अहम योगदान दिया है। बच्चों का कहना है कि अगर ऐसे शिक्षक हर स्कूल में मिल जाएं तो देश का भविष्य कुछ और ही होगा। आज उनके विदाई समारोह पर ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर एवं सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया। विद्यार्थियों द्वारा विदाई गीत, कविताएं आदि सुनील दत्त जी को समर्पित की गई। आइए दिखाते हैं बच्चों की कुछ झलकियां। एकदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहता है बचपन। बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन, धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम, मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहता है बचपन। गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। गुरु है हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहता है बचपन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहता है बचपन। प्रशंसा के भाव खुद ब खुद आ जाते हैं। इतना साफ और सुंदर माहौल देने के लिए आपका धन्यवाद सर। हम सबका सर्वांगीण विकास भी आपका सपना रहा। दूर दूर तक देखते हैं कि स्कूलों में खेल नर्सरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए आप इस प्रयास में भी सफल रहे। इस आपके आशीर्वाद से हम जिला स्तर पर प्रथम व राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम आपके समक्ष नतमस्तक होते हैं। खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पढ़ाई, उन सब के लिए आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। इसके लिए आपने स्कूल में हाउस बनवाए और हमें प्रार्थना सभा में अपने विचार रखने का मौका दिया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि हम अगर सब कुछ जानते हुए भी अपने विचार रखने में सक्षम नहीं है तो हाँ, सब कुछ व्यर्थ है। और एक सबसे बड़ी जीत हमारी यह भी है, विज्ञान संकाय और अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में विज्ञान संकाय न होने के कारण न जाने कितने भाई बहन विद्यालय छोड़कर चले जाते थे, लेकिन यह आपका ही अथक प्रयास है कि हम विद्यालय में विज्ञान संकाय की सुविधा आज देख पा रहे हैं। आपके बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे।
हमने दूसरों को माफ करने और सबका सहयोग देने का गुण भी आपसे ही पाया है। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती तो आप हमें डांटते भी थे, लेकिन फिर साथ ही कहते थे, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सर, हमारी शिकायत आने पर भी आप भाई की तरह हमारे साथ खड़े रहे। प्राचार्य जी का पद बड़ा हीरो बीला और डरावना कहा जाता है, लेकिन तब भी आप एक मित्र की तरह आपने हमारी हर बात सुनी और हमेशा हमारे चेहरों पर खुशी छाई। हमारे द्वारा अच्छे कार्य करने पर व जीत कराने पर आपके द्वारा प्रार्थना सभा में हमें प्रोत्साहित करना आज भी याद आता है। सर, आपका केवल बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि स्टाफ के साथ भी व्यवहार प्रशंसा योग्य रहा है। माना नया स्टाफ है प्राचार्य जी बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन सबका अपना महत्व होता है। आपके लिए जो सम्मान हमारे दिलों में आज है, वही सम्मान तब भी रहेगा जब हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो आगे बढ़ने की राह आपने हमें दिखाई है वो पूरा जीवन काम आएगी। भगवान से बस यही प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल जीवन यापन करें, और हमारी दुआ है आप और तरक्की प्राप्त करें। बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। चेहरा सुहाना लगता है स्टूडेंट का, तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर पे गाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर पे गाना लगता है। मैं तेरे होमवर्क के चक्कर में पड़ी हूँ सर, है नई रस्में नए मेथड नई उलझन। मैं तेरे होमवर्क के चक्कर में पड़ी हूँ सर, है नई रस्में नए मेथड नई उलझन। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है। नौकरी से है जुड़ा डिग्री का ये संबंध, पढ़ाई से जोड़ा है सर ने प्रीत का दामन। नौकरी से है जुड़ा डिग्री का ये संबंध, पढ़ाई से जोड़ा है सर ने प्रीत का दामन। है नए लेक्चर नए मेथड नए है सर, होठ है खामोश लेकिन कह रहे हैं हम। मुश्किल मुश्किल एग्जाम को अब पास करना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। रहमान करते हैं हम दिल से सम्मान, शिक्षा नबका है उदीप्त तारा, ज्ञान पथ पर करते उजियारा। जीवन नाव को दिखाते किनारा, तिमिर नाव सेतु करते दीप दान। शिक्षक हो तुम सदैव महान, शिक्षक हो तुम सदैव महान। बच्चों में बांटते विद्या धन, पढ़ाई में रमाते बाल मन। सब विषयों का कराते पठन, हिंदी संस्कृत चाहे हो विज्ञान। शिक्षक हो तुम सदैव महान, शिक्षक हो तुम सदैव महान। वट वृक्ष बनकर देते छाव, शिक्षित करते हर नगर गांव। देश विकास में देते योगदान, शिक्षक हो तुम सदैव महान, शिक्षक हो तुम सदैव महान। सद विचारों का करते प्रसार, कोरे कागज पर लिखते संस्कार। कच्ची मिट्टी को देते आकार, सर्वदा शिष्य हित का रखते ध्यान। शिक्षक हो तुम सदैव महान, शिक्षक हो तुम सदैव महान। करते हैं हम दिल से सम्मान, करते हैं हम दिल से सम्मान। जीवन को चलते रहना है, लो इसकी झिलमिल जलती है। विद्यालय के हर कोने पर, बस कमी आपकी खलती है।
जीवन की कठिन राहों पर हम आशीष आपका चाहेंगे। जो राह दिखाई है आपने हम औरों को भी दिखलाएंगे, जो राह दिखाई है आपने हम औरों को भी दिखलाएंगे। धन्यवाद। सुनील दत्त जी का कहना है कि हमें आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने और आकार देने में कई साल का लंबा समय लगा है। समय के साथ अध्यापकों ने भी विद्यार्थियों के साथ में बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैंने भी यही किया। मैंने आप में अपना बचपन बढ़ते हुए देखा है। आगे बढ़ने और छात्रों को आकार देने के लिए छात्रों और अध्यापकों के साथ में मिलकर प्रयास करने पड़ते हैं और अच्छे परिणामों के लिए एक साथ मिलकर एक ताकत के रूप में कार्य करना पड़ता है। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल सुनील दत्त ने विदाई समारोह में छात्र छात्राओं से ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थी अध्यापकों के कार्य का विषय, अध्यापकों के विचारों का लक्ष्य और अध्यापकों के प्रयासों का प्रतिबिंब होते हैं। बच्चों अपने दिमाग में यही रखना कि आप सभी अपने कार्य में सही हों और यह कभी मत भूलना कि सच की हमेशा जीत होती है। किसी भी बुरी स्थिति में कभी भी आत्मसमर्पण मत करना और खुद में विश्वास रखना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी एवं सबसे कीमती संपत्ति होते हैं। उनके बिना शिक्षक और विद्यालय कुछ भी नहीं। एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छे शिक्षक की अनुपस्थिति में कुछ नहीं कर सकता और जब किसी शिक्षक को अच्छा छात्र नहीं मिलता तो वह उसे अपना दुर्भाग्य समझता है। यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने छात्र को सही रास्ते पर लेकर आए। हालांकि यह छात्र की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने शिक्षक की बताई हुई बातों का पालन करें। सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हमने कुछ स्कूली छात्र छात्राओं से बात की। मैं सर की एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में पहले खेल नसीब नहीं थी, लेकिन जो ही सर हमारे स्कूल में आए उन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खेल नर्सरी बनाई, स्कूल के विद्यार्थियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और लड़कियों के लिए अलग से खेल नर्सरी बनाई, जिससे गांव में यह प्रसन्न होने लगा कि जो सर सारे कार्य थे वो लड़कियों के लिए करते थे। उसके बाद में सर ने लड़कों के लिए भी कबड्डी नर्सरी लेके आए और जो हमारे स्कूल के खिलाड़ी हैं, लड़के हो चाहे लड़की, वो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल आदि पर जाते हैं और जीत कर आते हैं। सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमारा स्कूल उन्नति पर चला है। वे हमारे स्कूल में सन 2014 में आए थे। उन्होंने हमारे स्कूल में हाउस बनवाए जिसमें हमें अपने विचार मंच पर रखने का मौका दिया और उनकी वजह से हमारे स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो भी अच्छा रहा है। और तुम्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना कि उनके जैसा प्रिंसिपल हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। सर ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो शायद बहुत से पहले से चल रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। हम सर का धन्यवाद करते हैं। हम जब छोटे थे तो यहाँ पर हम देखते थे कि कई हमारे बड़े भाई बहन साइंस स्ट्रीम नहीं थी तो स्कूल छोड़ के चले जाया करते थे। उन्हें साइंस स्ट्रीम के लिए बड़ी दिक्कत आती थी तो सर ने ऐसा किया तो हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम लेके आए और हमारे स्कूल में आज उन्हीं का ये प्रयास है कि हम साइंस स्ट्रीम देख पा रहे हैं। और एक इंग्लिश मीडियम कई प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम होते थे तो सरकारी में कहा जाता था कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश तो हो ही नहीं सकती। तो प्रिंसिपल सर ने इंग्लिश मीडियम भी करवाया, 9th में बच्चे पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं और इसलिए ये ऑप्शन का ही प्रयास है कि हमें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं। सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे लिए बहुत ही कार्य किए, उन्होंने हमारे लिए लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट स्कीम की सुविधा की, सिलाई सेंटर खुलवाए तथा उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारे प्रिंसिपल सर श्री सुनील दत्त जी का आज विदाई समारोह था। सभी विद्यार्थियों ने उनका धन्यवाद किया और नए अध्यापकों का स्वागत किया स्कूल में। माथसोली स्कूल के प्राचार्य श्री सुनील दत्त जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह सभी विद्यार्थियों के साथ घुल मिल कर रहते थे, सभी को सहयोग के साथ सभी कार्य करते थे। प्रधानाचार्य श्री सुनील दत्त जी ने हमारे आज उनका सम्मान समारोह था तथा उन्होंने हमारे साथ बड़े घुल मिल कर कार्य किया तथा हमारे स्कूल में ये हमारे स्कूल के बच्चे बाहर जाते थे साइंस के लिए तथा उन्होंने अपने अथक प्रयासों से साइंस में लाई यहाँ पे और बहुत अच्छे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। सर आज आपका विदाई समारोह था, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सर आज ने ये गांव वालों की तरफ से एक कार्यक्रम तो मान सम्मान का था लेकिन मैं इसको ने एक आशीर्वाद के रूप में मानता हूँ कि मेरे बुजुर्ग मेरे गांववासी मेरे साथियों ने ये मुझे जहाँ जिस दिन मैंने पहले यहाँ ज्वाइन किया उसी दिन से ये आशीर्वाद इसी तरह बना रहा और आज विदाई टाइम पे भी इन्होंने मुझे सम्मानित किया और अपने आशीर्वाद रूप में ये पगड़ी दी
तो मैं इनकी तरफ से और अपने विद्यार्थियों की तरफ से ये इनको आशावन करता हूँ कि इनके इस मान सम्मान को मैं भविष्य में भी इसी तरह से अपने बरकरार रखूँगा और अपनी लगन से मेहनत से आगे इनके मान सम्मान को और आगे बढ़ाऊंगे। और यहाँ जैसे मैंने जनवरी 2014 में ज्वाइन किया था स्कूल में, इसी स्कूल से मैंने 1987 में मैट्रिक पास की थी। तो तब मैं स्कूल में पढ़ा करता, उस टाइम पर जो कमियाँ मुझे यहाँ स्कूल में ये महसूस हुआ करती कि ये कमियाँ हैं, जैसे उस टाइम पर कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, जैसे आज हम स्टेज पर बोलते टाइम एजिटेशन होती है हमें, तो नहीं मैंने ये सारी कमियाँ जो मैंने सोचा कि जो कमी हमारे समय में रहेगी, तो मैं इस स्कूल में यहाँ ये स्टेशन लेके मेरे अपने जो आगामी राष्ट्र का भविष्य है और मेरे बच्चे हैं और छात्र हैं उनमें वो कमी इस प्रकार की नहीं रहे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया इन 5-5.5 सालों में कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, जैसे एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी, कल्चरल का भी और अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी इसमें हमने ने 2 अकेडमियां ली सरकार की तरफ से, जिसमें 70,000 रुपये एक अकेडमी को बच्चों को इंसेंटिव डाइट इंसेंटिव मिलता है, लड़कियों के लिए गर्ल्स फुटबॉल की और लड़कों के लिए कबड्डी बॉयज़ के लिए, जिसमें ने सरकार की तरफ से ही वो है कोच है खाने वाला, सुबह से हम इनको सिखाते हैं और 25 बच्चों को 1500-2000 रुपये पर मंथ इनको मिलते हैं और 1,00,000 रुपये की पेंट के लिए सरकार स्कूल को दे रही है। तो ये ने सभी जो अचीवमेंट थी स्कूल की इन ग्रामवासियों के सहयोग से हमने जो प्राप्त की उसके लिए आज गाँव वालों ने मुझे सम्मानित किया, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। वैसे तो मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी, मैंने इसको मेरा मैं ड्यूटी में थी, ये मेरी सर्विस का पार्ट था, लेकिन तब भी इन्हें गांव वालों ने मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद दिया, इतना सहयोग दिया, तो इसके लिए मैं हमेशा इन अपने गाँववासियों का हमेशा ऋणी रहूँगा। और आगे अभी मैं नयासनपुर स्कूल में हूँ, तो अभी इन्हें मैंने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य इन्हें 3 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया है, हमने वहाँ भी इसी प्रकार से काम करेंगे और मेरे बुजुर्गों से मुझे अपेक्षा है कि आशीर्वाद इसी तरह मेरा सिर पे इनका बना दे। अनुपम हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।